आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मार्च के महीने में हुई जबरदस्त बर्फबारी, हेमकुंड, बद्रीनाथ, ओली, चक्राता समेत कई इलाकों में हुआ स्नोफॉल, आज भी बर्फबारी के आसार, चमोली में एवलांच का खतरा। मार्च के महीने में गर्मी दस्तक देने ही वाली थी कि इसकी शुरुआत में ही उत्तराखंड में फिर मौसम बदल गया। दो दिनों से पहाड़ों में मौसम ने करवट ली और चोटियों पर बर्फबारी हुई। चारधाम बर्फ से गुलजार हो गए हैं, साथ ही हेमकुंड, ओली, गौरसों, चक्राता सहित ऊंची चोटियों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ हाईवे हनुमानचट्टी से आगे बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। चक्राता में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और यहाँ सड़कें बर्फ से पट गई, यहाँ तक कि बर्फ हटाने के लिए मशीनों का उपयोग करना पड़ा। इधर ओली में इस बार सीजन की बर्फबारी कम हुई तो जाते जाते मौसम ने ओली को बर्फ का बड़ा तोहफा दिया। बर्फबारी के साथ ही पर्यटक बर्फ का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। मार्च की शुरुआत में हुई बर्फबारी के चलते पर्यटन कारोबारियों में खासा उत्साह बना हुआ है। उत्तराखंड में आज भी मौसम बीते दिन की तरह ही बना रहेगा और आसार इस बात के भी हैं कि ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी हो सकती है, साथ ही चमोली में एवलांच का खतरा भी बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।